अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एंजल हेयर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत इजी है। थ्री वेज हैं जिससे आप घर बैठे बआसानी किसी बगैर इन्वेस्टमेंट के आप पैसे कमा सकते हैं, उर्दू बोल के, उर्दू लिख के, उर्दू का तर्जमा करके। मतलब आप तीन वे से पैसे कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, बल्कि यहाँ सिखाऊंगी भी, और नाज़रीन आपको बताऊंगी कि आप किस वे पे से आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप ये तमाम चीजें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नाजरीन, आप सबसे पहले गूगल पर चले जाएं और वहां जाकर आप लिखें उर्दू ब्लॉग्स, कोई भी उर्दू ब्लॉग्स आप लिख लें। ठीक है नाजरीन, इस तरह लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह कोई भी पेज ओपन हो जाएगा किसी भी उर्दू की, जस्ट कि आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह उसकी इंग्लिश बना सकते हैं, किस तरह आप उसकी उर्दू बना सकते हैं और किस तरह आप उसको वर्किंग कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा ही लेते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ हम लिखेंगे उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश। गूगल ओपन कर लिया आपने, यहाँ पे देखें नाजिम इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। जो आपने कॉपी किया था वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लॉक मैंने वहां से कॉपी किया था वो मेरे पास यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुका है। ये देख सकते हैं, वो अकेला नहीं था, इसकी आवाज पर मुल्क भर के यूथ लीडर वहां मौजूद थे। ये देखें, ही वॉज नॉट अलोन, यूथ लीडर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वी आर प्रेजेंट एट हिज वॉइस जमात इस्लाम। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है सबसे फर्स्ट जो हमने सीखा है वो है ट्रांसलेशन, कि हम उर्दू की ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, उर्दू को इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश को उर्दू में कैसे कर सकते हैं। तो हम इन तमाम चीजों को बहुत इजीली कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। आप देख सकते हैं कि जो मैंने उर्दू में लिखा है वो अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश को भी आप उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। और हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है उर्दू सबटाइटल, कि उर्दू सबटाइटल किस तरह बनाते हैं, उर्दू सबटाइटल क्या होते हैं, आप किस तरह से उर्दू सबटाइटल्स बनाते हैं और किस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। उर्दू सब टाइटल्स नाजरीन वो होते हैं जो आप बोल रहे होते हैं और वो आपके सामने खुद ब खुद लिखा आ रहा हो। वो हम किस तरह से बना सकते हैं, आप चले जाएं फिर से गूगल पर और यहाँ पर आप लिखेंगे गूगल डॉक्स। जब आप गूगल डॉक्स लिखेंगे, गूगल डॉक्स आप इंटरफेस इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं नाजरीन आपके सामने इस तरह का ब्लैंक पेज आ रहा है, आप इसको ओपन कर लेंगे। ये नाजरीन आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले फाइल में चले जाना है, फाइल में जाकर आपने लैंग्वेज पे आना है। लैंग्वेज पे आकर आपने जिस भी लैंग्वेज में आप जो बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो आपके सामने लिखा है तो आपने उस पर क्लिक कर लेना। मैंने उर्दू में बोलना है तो उर्दू में ही मेरे सामने लिखा है। फिर उसके बाद आपने टूल्स को ओपन करना, टूल्स को ओपन करने के बाद आपने वॉइस एंड टाइपिंग पे जाना है। वॉइस एंड टाइपिंग पे आने के बाद आपने यहाँ पर भी आकर जो है आपने इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लेना है। ये यहाँ पे उर्दू आ रही होगी, हम इसको यहाँ से भी उर्दू में सिलेक्ट कर लेंगे। फारसी और अरबिक देख सकते हैं आपके सामने तमाम जबानें आ रही हैं, उर्दू, अंग्रेजी, इंग्लिश, अरबी, जो भी आप बोलेंगे। अब मैं जो बोलूंगी वो यहाँ पर रिटनली आपके सामने आएगा, तो उसको बोलते हैं कि ये सब टाइटल्स हैं। मतलब ये उर्दू सब टाइटल्स हैं, इंग्लिश सब टाइटल्स हैं, मतलब आप जिस भी वर्डिंग में इसको पढ़ना चाहें कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे।
आप देख सकते हैं नाजरीन, जो कुछ मैं बोल रही हूँ यहाँ पर उर्दू में खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि सब टाइटल्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से सब ये आप चेक कर सकते हैं कि मैं जो ये जो मैं बोल रही हूँ ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जो आपके सामने लिखा आ रहा है ये तमाम उर्दू सब टाइटल्स आपके सामने लिखी आ रही है राइटिंग, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से ये तमाम चीजें कर सकते हैं। हमने कितनी चीजें सीखी है, उर्दू सब टाइटल सीखा है, हमने उर्दू ट्रांसलेट सीखा है, और उर्दू वॉइस ओवर सीखा है। मतलब वॉइस ओवर जो मैं बोल रही हूँ और जो ये आपके सामने लिखा आ रहा है ये है सब टाइटल्स, और जो भी ये तमाम चीजें हैं ये मैंने अब आपको बताई, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये चीजें किस तरीके से सीख कर कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर आप पैसे कमा सकते हैं। तो हम चलते हैं फाइबर की तरफ। फाइबर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म पैसे कमाने के हिसाब से, जो भी करें आप यहाँ जाएं, यहाँ जाकर अपनी गिग बनाएं और गिग बनाएं और यहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं। ना आपको यहाँ दो नंबरी का कोई अंदेशा है, ना कोई स्कैमर बनने का अंदेशा है, यहाँ पर आप इजीली पैसे कमा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम लिखते हैं उर्दू सबटाइटल्स, ये देखिए, ये देखे नाज़रीन आपके सामने मैंने उर्दू सब टाइटल्स लिखा। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, कितने लोग, बहुत से लोग इंग्लिश को इंग्लिश सब टाइटल्स दे रहे हैं और उर्दू सब टाइटल्स में ऊपर हैं। आपको पता चल गया कि सब टाइटल्स कैसे बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आप इजीली यहाँ पर गिग बनाकर, आपको गिग बनाने के लिए एक ईमेल चाहिए, ईमेल के थ्रू आप इजीली फाइबर की बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी जगहों पर हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं एक लिंक भी आपको बीच में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहां से आप फाइबर गिग्स जो है अपनी बनाएंगे और गिग्स बनाकर आप इजीली यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। आप देखिए नाज़रीन यहाँ पर 403 सर्विसेज अवेलेबल हैं पूरे मुल्क में से नहीं, ये पूरी दुनिया से वर्किंग हो रही है इस पे, और सिर्फ 403 लोग हैं यहाँ पर, बहुत कम कंपटीशन है, आप इजीली यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोस बनाकर, अपनी गिग बनाकर आप यहाँ पे अपलोड करें, अच्छा थंबनेल लगाएं और आपको यहाँ पर ऑर्डर आता है और आपको अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से